नमस्कार, मैं हूँ ध्यानेन्द्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे शो रूबरू में। जी हाँ, आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो है मीडिया जगत के जाने माने एंकर मिस्टर अशोक श्रीवास्तव। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में आने के लिए। शुक्रिया। तो अशोक जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप अपने पत्रकारिता के शिक्षा दिनों को किस तरह याद करते हैं? पत्रकारिता के शिक्षा के दिनों में मैंने पत्रकारिता की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हासिल करी। मैं करीब मुझे इस लाइन में आए करीब 16-17 साल हुए, और जब मैं इस लाइन में आया उस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया की स्टडी हो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मीडिया में आपको कोर्स करने की ज़रूरत है। उस समय टेलीविज़न भी नहीं था हिंदुस्तान में, अखबार के लिए होता था, और ये माना जाता था कि जो अच्छा लिखता है, जिसकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, न्यूज़ की जिसको सेंस है, वो पत्रकार बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं होते थे। मैंने कोर्स करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैं जहाँ कोर्स करने गया BHU में, वहाँ उस वक्त स्ट्राइक थी। वापस आया दिल्ली में, एक बहुत बड़े पत्रकार थे जनसत्ता के, ब्यूरो चीफ आलोक तोमर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर जर्नलिज्म करनी है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने, उन्होंने मुझे कुछ एक टास्क दिया, एक असाइनमेंट दिया। उस असाइनमेंट के लिए मैंने 6-7 चक्कर लगाए, और बड़ा दिलचस्प किस्सा है, पर बड़ा लंबा किस्सा है, लेकिन कुल मिला के लब बोलो अब ये कि जब मैं 7वीं बार उनके पास वो अपना काम लेके गया, तब उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम पत्रकार बन गए, तुम्हें किसी और शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। और उस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि अखबार की ज़रूरत क्या होती है, अखबार के हिसाब से रिपोर्टिंग में क्या लिखना होता है। मेरे लिए वही सबसे बड़ी शिक्षा थी, और उसके बाद मैंने जो कुछ सीखा मैंने अपने काम के दौरान सीखा। और मैं आज भी, मैंने पत्रकारिता की शिक्षा ली नहीं, लेकिन मैं कई जगह यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के लिए जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बात यही बोलता हूँ लोगों को कि पत्रकारिता सीखने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। तो इसलिए पढ़ा नहीं, मैंने सीखा है पत्रकारिता। क्या राष्ट्रीय अखबारों की जगह समाज में टीवी चैनलों ने ले ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अखबार कभी टेलीविज़न चैनल की जगह ले भी नहीं सकते। अखबार की अपना महत्व है, और क्योंकि सीधी सी बात है, अखबार का जो मज़ा है और अखबार में जो सुबह उठ के खबर पढ़ने का मज़ा है, वो टेलीविज़न में नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि टेलीविज़न बहुत हद तक जो है आपको सीरियस न्यूज़ आपको नहीं देता। अब आप देखिए, अगर आप वैसे देखें, कुछ चैनल ज़रूर सीरियस न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन लोग अखबार को सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, टेलीविज़न पे सीरियस न्यूज़ लोग शाम को देखना पसंद करते हैं प्राइम टाइम पर। तो मुझे लगता है अखबार टेलीविज़न की जगह कभी नहीं ले पाएंगे। यह जो सारा मीडिया का ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें हिंदी की स्थिति को किस प्रकार देखते हैं? हिंदी की स्थिति जाहिर तौर पर बहुत अच्छी है, क्योंकि हिंदी के चैनल्स की संख्या ज़्यादा है और हिंदी के अखबार भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और पर यह है कि अब हिंदी जो है धीरे धीरे मीडिया की हिंदी बदल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं वो बदलना पड़ेगा। अखबार की भाषा अलग है, टेलीविज़न पे हिंदी भाषा अलग है, और जो यंग जनरेशन बोलती है हिंदी वो अलग तरह की है। तो एक ये चुनौती है कि उसके साथ आपको किस तरह से अपना तारतम्य बैठा के रखना है, वो एक चुनौती है। पर हिंदी मुझे लगता है कि एक बहुत संभावना है हिंदी में। तो क्या जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें हिंदी पकड़ है कि नहीं है? भाषा, मुझे लगता है कि हिंदी की नई पीढ़ी की पकड़ कहीं कम हुई है। वो उसका रीज़न ये है कि वो लोग पढ़ते कम है, खासकर साहित्यिक चीज़ें पढ़ते कम है। मुझे याद है कि मैं एक इंटरव्यू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, प्रसून जोशी जो कि जाने माने गीतकार हैं और एड गुरु हैं, उन्होंने लिखा कि वो कह रहे हैं कि मैंने एक बार एक गाना लिखा और उस गाने में मैंने बोल लिखे सट सट के। अब सट सट के अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है और हिंदी का शब्द है। वो कह रहे हैं कि जितने लोग वहाँ बैठे थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी लोग, उन्होंने कहा सट सट का मतलब उनको नहीं पता। तो प्रसून जोशी को वो सट सट को निकाल कर पास पास लिखना पड़ा गीत में, जबकि सट सट में जो भाव है वो पास पास में नहीं है। तो ये भाषा जो है, भाषा में बहुत सारे शब्द जो हैं ऐसे जो हैं जो भाषा की जो है मर्म होते हैं, भाषा को गहराई तक पकड़ जिसमें जिन शब्दों में होती है, वो शब्द धीरे धीरे खत्म ना हो जाए इसकी चिंता है, जैसे प्रसून जोशी साहब ने बताया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चुनौती क्या होती है और प्रिंट से कितनी अलग होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की चुनौती के तौर पर मुझे लगता है शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक चुनौती ये है कि आपको प्रिंट मीडिया में तो आपके पास आज बहुत टाइम रहता है, आपके पास आप अभी खबर लेके आए, आपकी खबर जो है रात को छपनी है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें फैक्ट्स की जांच कर सकते हैं, आपके पास इतना समय रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिक्कत यह कि वहाँ समय का बहुत अभाव रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको अभी खबर आई, अभी आपको उसको प्रसारित करना है, तो उसमें आप कई बार फैक्ट्स को जांच नहीं पाते, कई बार वो इनकम्प्लीट होती है, कई बार उसमें गलत फैक्ट चले जाते हैं,
तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि 24 घंटे की चीज़ हो गया, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर उस तरह की चुनौतियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ज़्यादा बढ़ गई है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टरों का राजनीति से किस प्रकार का रिश्ता बनाना चाहिए? कभी कभी वह उसका पक्षधर बनता दिखाई देने लगते हैं। मेरा मानना है कि टीवी पत्रकारिता को, मेरा मानना है पूरी तरह से पत्रकारिता का मतलब है कि आप उस जो कुछ चल रहा है आप उसका हिस्सा नहीं हो, आप बाहर खड़े हो और जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों को रिपोर्ट कर रहे हो, आपका इतना काम है एक पत्रकार का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं उस खेल का हिस्सा बन गए हैं। बहुत सारे पत्रकार, नीरा राडिया का जो केस हुआ वो हमें यही दिखाता है कि जो जिन पत्रकारों को तटस्थ रहकर जो है रिपोर्ट करनी चाहिए थी वो उस खेल का हिस्सा बन गए, और बड़े बड़े पत्रकार कहीं ना कहीं पत्रकारों में ज़्यादा पैसा कमाने की और राज्यसभा में जाने की, लोकसभा की टिकट पाने की, और साथ साथ यह पद्मश्री पद्म भूषण ये जो पाने की लालसा बढ़ गई है, इसके कारण जो है वो जो पत्रकारिता का जो मूल उनका मिशन है या उनका जो प्रोफेशन है उससे वो भटक गए हैं, और इसीलिए ये सारी समस्याएं दिख रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वो ये कि एक तो मेहनत करें, खूब पढ़ें, और ये ना सोचें कि मीडिया सिर्फ जो है ग्लैमर और पैसा है, ये एक मिशन है। अगर आप देश के लिए समाज के लिए कुछ करने की चाह नहीं है तो आप इस लाइन में मत आइए। ये ज़रूर ठीक है कि हम ऐसे भी मिशन नहीं है कि अब एक आज़ादी से पहले पूरी तरह से मिशन था पत्रकारिता कि आपको आज़ादी के लिए एक मिशन के तहत लोग काम करते थे, अब उस तरह की मिशनरी पत्रकारी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम है कि समाज में जो आदमी सबसे निचले पायदान पर बैठा है उसका दर्द लोगों तक पहुंचाना, समाज में जो गलत हो रहा उसको सामने लाना आपका काम। अगर सिर्फ पैसा कमाना और ग्लैमर है तो भाई मुंबई का रास्ता है, ट्रेन पकड़िए मुंबई जाइए। आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो आप बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देश में फल फूल रही हैं, अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दीजिए, पिताजी की दुकान पर बैठिए सोने चांदी का व्यापार शुरू कर दीजिए। पैसा कमाने के लिए पत्रकारिता नहीं है यहाँ पर, आप कुछ तो मिशन आपके लिए होना चाहिए, कुछ लक्ष्य तो होने चाहिए। जैसे कि आजकल का चलन है कि टेलीविजन चैनल अपने इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रभाव मुझे लगता है एक तरह से तो ये ठीक है कि होता ये है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे बड़ी जो बात यह है कि आजकल हर छोटा मोटा चैनल जो है अपना इंस्टीट्यूट खोल देता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहकावे में आ जाते हैं। अब मुझे याद है एक छोटा सा दिल्ली का चैनल है, उसने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया और मुझसे किसी ने कहा कि भाई हम वहाँ एंकरिंग की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, 15,000 रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं, तो क्या वो कोर्स ठीक रहेगा? तो मैंने उनसे कहा कि अब आप बताइए उस चैनल के अंदर कौन सा अच्छा एंकर है, जब उस चैनल के पास खुद एक अच्छा एंकर नहीं है तो वो एंकरिंग पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या वो दूसरे बड़े चैनल से ला के पढ़ाएंगे? नहीं, वो सिर्फ एक धंधा लोगों ने बना दिया है। तो कुछ एक मीडिया इंस्टीट्यूट हैं जिनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने जो है शुरू किया, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, वहाँ उनको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन बाकी सब छोटे छोटे चैनल से उसको धंधा बना दिया, वो खराब है, उस पर रोक लगनी चाहिए। क्या इससे बाहर वालों को काम मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट दूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक चैनल मान लीजिए कि आज तक है, आज तक ने अपना इंस्टीट्यूट शुरू करा, आज तक से पढ़कर जो आदमी निकला वो आज तक में नौकरी लेगा तो ठीक है, लेकिन आज तक से निकल कर वो NDTV में नौकरी मिल जाएगा तो वो NDTV वाले कहेंगे भैया तुमने पढ़ाई वहाँ से करी है वहीं नौकरी करो ना, पढ़ाई के तुमने 2 लाख रुपये आज तक को दिए और नौकरी के लिए हमारे पास क्यों आए हो? जबकि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले के लिए सारी फील्ड खुली है, कहीं भी जा सकते हैं, और अल्टीमेटली जिसका जो काम है वो करना चाहिए। यूनिवर्सिटी से काम है पढ़ाना, चैनल्स का काम बेसिकली पढ़ाना नहीं है, हाँ वो एक तरह की ट्रेनिंग, अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि वो इसमें हाथ पैर मारे। मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको मीडिया के प्रति जुझारू बनाता हो? इंसिडेंट तो बहुत हुए, मतलब अनगिनत हैं, पर सच कहूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कई बार। जैसे मुझे याद है कि मैं एक कार्यक्रम जो करता हूँ जानने का हक, उसमें जो है दो जो हैं लड़कियों की नौकरी चली गई थी क्योंकि उन्होंने कोई एक RTI लगाई थी जो कि वो सूचना चाहते थे कोई, और उसकी एक RTI लोगों ने लगाई और उसके कारण उनको जो शिक्षा अधिकारी था उसने उनको निलंबित कर दिया। जब निलंबित किया तो उसके बाद हमने उस कार्यक्रम के तहत
लाइव पे मैंने जिलाधिकारी को लिया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो जिलाधिकारी ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस पूरे मामले को देखूंगा। और उसके बाद जो है बाद में मुझे पता चला कि जिलाधिकारी ने उस मामले की जांच करवाई और उन दोनों लड़कियों को जो है नौकरी पर वापस लिया गया। इस तरह के बहुत इंसिडेंट होते हैं जब लगता है कि हमने किसी कोई छोटा सा कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि साहब आपने ये स्टोरी दिखाई थी उसके कारण मेरा ये हो गया, मेरी नौकरी मिल गई, मुझे पेंशन मिल गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं शायद उससे किसी का कुछ फ़र्क पड़ रहा है, कुछ उससे असर ज़रूर पड़ रहा है, तब लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं देश के लिए ठीक है, समाज के लिए ठीक है। तो वो इंसिडेंट आपको प्रेरित करते हैं कि आप और ज़्यादा काम करो, और ज़्यादा काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में रूबरू में आने के लिए। तो ये थे मिस्टर अशोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मीडिया से जुड़ी बातें बताई और अपने पर्सनल व्यू दिए। तो अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।